दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने इंडियन 2019 बजट लॉन्च कर दिया है, तो अपन देखते हैं इस वीडियो में कि वो बजट स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है और इसमें उस बजट में स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला है। तो बेसिकली मैंने उस बजट को थोड़ा सा सम अप कर दिया है और उसको छोटा कर दिया ताकि मैं आपको जल्दी से बता पाऊँ, और उसके जो हाइलाइट्स है वो मैंने पहले से रेडी कर लिए। तो चलिए देखते हैं अपन कि 2019 बजट्स में स्टूडेंट्स को क्या मिला है। तो सबसे पहले ये है कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसके तहत क्या होगा कि गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है, और उस कमेटी क्या करेगी वो कि जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रमोट करेगी, उसके अंदर फंड करेगी और उसके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च एक्टिविटीज़ में अपना फ्यूचर लेना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट बहुत हो जाएगा रिसर्च सेक्टर के अंदर। तो आप ऑप्ट कर सकते हो एक रिसर्च सेक्टर को। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है अपने जो IITs होते हैं उनका जो टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड की, उसके अंदर खाली 3 IITs आती है, वो भी बहुत नीचे 161 के आसपास, IIT बॉम्बे और इस तरह से। तो गवर्नमेंट अभी क्या करेगी कि 400 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, और वो एलोकेट किए गए वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। उससे क्या होगा कि अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया जाए, 100 में जाए। दूसरा एक ये है, तीसरा पॉइंट कि स्टडी इन इंडिया जो कैंपेन है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे आपने देखा है नॉर्मली कि अपने हर साल अपने इंडियन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वीज़ा लेके पढ़ने के लिए विदेश बहुत ज़्यादा हर साल 20-25% इंक्रीमेंट हो रहा है, अपने जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पे, फॉरेन में। वही जो फॉरेन से स्टूडेंट वो हमेशा कम हो रहे हैं, अभी तक 2011 के बाद जो फॉरेन से जो टोटल स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने के लिए आए वो ओनली 45,000 है, जो कि बहुत कम है। चौथा पॉइंट ये है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ हायर एजुकेशन, इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो गवर्नमेंट होगी वो हायर एजुकेशन को प्रमोट करेगी। हायर एजुकेशन से अगर हायर एजुकेशन को आप प्रमोट करोगे तो उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो एकेडमी आउटकम्स होते हैं वो बहुत बेस्ट हो जाएंगे, बेटर एकेडमी आउटकम्स मिलेंगे। तो इसी के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया, कमेटी होगी इसके लिए, और वो कमेटी क्या करेगी जो हायर एजुकेशन होता है उसको प्रमोट करेगी और उसको लेके, ताकि क्या होगा कि हायर एजुकेशन अगर आपने प्रमोट किया और वो आपका अच्छा है तो एक बेटर एकेडमी आउटकम्स अपन को मिलेंगे। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आपने ये देखे होंगे कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन में जो जॉब्स होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, जो वन ऑफ द जो डिज़ायर्ड स्टूडेंट होते हैं वो भी कई बार पीछे रह जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में काट देते हैं या कहीं और दूसरी जगह से उनको कैंसिल कर देते हैं। तो बस गवर्नमेंट अभी यही ध्यान देगी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अगर वो फॉरेन में जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करें तो उनका कैंसिल नहीं हो, वो जल्दी से लगे। तो इसको लेके भी जो रेलिवेंट स्किल्स होती है जो इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, ताकि जो भी बच्चा इंडियन वो फॉरेन में जाके अगर जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसको जॉब वो मिले डेफिनेटली।